नमस्कार दोस्तों, मैं हूं देवाशीष सर। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टेक न्यूज। पहला न्यूज आ रहा है अमेजन के तरफ से। जिन सिटीज में अमेजन फ्रेश के सर्विस अवेलेबल है अभी, उन सिटीज में अमेजन अपना पैंट्री प्रोडक्ट को भी ऐड कर रहा है। अगर आप उन सिटीज में हैं जहां पर अमेजन फ्रेश के सर्विस अवेलेबल है, अगर आप अमेजन फ्रेश से कोई भी पैंट्री प्रोडक्ट को ऑर्डर करेंगे, आप 2 घंटे के अंदर उसका डिलीवरी ले सकते हैं। अगला न्यूज ये है कि गूगल एक $76 मिलियन का डील साइन किया है, और ये जो डील हुआ है वो गूगल और कुछ फ्रेंच न्यूज पब्लिकेशन के बीच में हुआ है। डील में 121 फ्रेंच न्यूज पब्लिकेशन इन्वॉल्व है, जो गूगल को गूगल सर्च न्यूज में जो भी न्यूज आता है वो प्रोवाइड करेंगे। अल्फाबेट, माइक्रोसॉफ्ट और क्वालकॉम तीनों ने मिलकर एनवीडिया के खिलाफ फेडरल ट्रेड कमीशन में कंप्लेन किया है। एनवीडिया ने आर्म को अक्वायर करने के लिए एक एग्रीमेंट साइन किया था। आर्म जो कि एक यूके बेस्ड चिप मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, एनवीडिया उसके होल्डिंग्स को लेकर जापान के सॉफ्टबैंक के पास एक $40 बिलियन का डील साइन कर रहा है। लेकिन एफटीसी ने यह बताया है कि जो भी सारे सप्लाईज होल्ड पर है वो सारे एप्पल और क्वालकॉम का इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है। अगला जो न्यूज आ रहा है वो वीवो की तरफ से आ रहा है। वीवो ने एक पेटेंट बनाया है जिसमें ये लिखा गया है कि जो भी फोल्डेबल स्मार्टफोन वीवो की तरफ से लॉन्च होगा उसके अंदर आपको पेंटा कैमरा देखने को मिलेगा। सैमसंग गैलेक्सी A12 का सपोर्ट पेज अभी सैमसंग इंडिया के साइट के ऊपर लाइव हो गया है। लगता है कि ये फोन कुछ ही दिनों में इंडिया में लॉन्च हो जाएगा और इसका प्राइस लगभग 15,000 हो सकता है। सैमसंग गैलेक्सी F62 February 15 में इंडिया में लॉन्च होगा। उससे पहले इसका एक टीजर निकल के आ रहा है जिससे ये पता चल रहा है कि इस फोन में आपको 64 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा मिलेगा। इस फोन में आपको 6.7 इंचेस का AMOLED डिस्प्ले देखने को मिलेगा, 7000 mAh का बैटरी होगा, और साथ ही साथ इस फोन में आपको 6GB RAM और 128GB इंटरनल स्टोरेज भी मिलेगा। ये फोन 20,000 से 25,000 के अंदर लॉन्च हो सकता है। तो आज के वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है इसे लाइक और शेयर करने के साथ साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए मत भूलिए। अगर आपका कोई क्वेश्चन या सजेशन है तो उसे नीचे कमेंट करने के लिए मत भूलिए। मैं मिलता हूँ आपसे अगले किसी वीडियो में।